नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं अभी भी HDFC बैंक को बाई किया हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है 66.5, 66.5 से इसका बाई है। वो जो रेजिस्टेंस है, इसका जो स्टॉप लॉस है 63.20 पे है। ओके, ये अभी अपसाइड में मूव होना चाहिए। इसका लॉजिक क्या है मैं बताता हूँ। ये ब्रेकआउट ट्रेड होना चाहिए। इसका जो टारगेट है आज के लिए, ये हाई है। ओके, ये हाई तक 1794, हाँ ये इसका टारगेट है। ओके, देखते मतलब ये जाएगा नहीं जाएगा, ये ब्रेकआउट करना चाहिए तो ऊपर जाएगा। मेरे पास बजाज फाइनेंस था, श्रीराम फाइनेंस था, ग्रासिम था, हाँ सारे का सारा फॉल्स दिया। जो कंफर्मेशन दिया वॉज HDFC बैंक। ये तो ऊपर मूव होना चाहिए। देखेंगे ये कैसे बिहेव करेगा। ऑलराइट, इसका जो एंट्री है, ये जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो रेजिस्टेंस है, इसका जो हाई है 66.5 से। ओके, पता नहीं ये मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो गया क्या। एवरेज प्राइस स्टेटस कंप्लीट प्रोडक्ट टाइप, पता नहीं भाई ये क्या होता है सब कुछ। ओके व्हाट एवर, हाँ तो 66.50 इज द एवरेज प्राइस। ओके, वही होना चाहिए 66.50। हाँ सही है ना, वही हुआ। ओके, इसका जो स्टॉप लॉस है 63.20 है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ऑल राइट, HDFC बैंक में क्या हुआ था, HDFC बैंक को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ ये क्या है बोल के। ओके मैं पहले वन डे का क्या चार्ट में इसको दिखाता हूँ। ये प्राइस नीचे गिरा था, बाद में ऊपर उठने का कोशिश कर रहा है, एक किधर भी लो बना के। इसका मतलब है जो गिरना शुरू हुआ था इधर से। ओके 47, इसका मतलब है 47 जुलाई 4th, सही है क्या। 47 इसका जो रेजिस्टेंस है ए वाला है। बाद में इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके ऑलराइट, ये जो लेवल है, ये सेलिंग हुआ था इधर से, ये लेवल है। देखेंगे अभी कुछ आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, कल इसने ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया था। बाद में ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी ब्रेकआउट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर से ऊपर जाएगा। मैं इस लेवल को हटाता हूँ। ओके, कल ये लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर गया था। बाद में ये ब्रेक इनसाइड कैंडल है, ये जो लेवल है ना, ये ब्रेक इनसाइड कैंडल है। ओके, मैं इसको हटाता हूँ, इसका यूज नहीं है आज। ओके, ये लेवल मेरे लिए ब्रेक इनसाइड है। आज का ओपनिंग उसके ऊपर हुआ, उसके ऊपर होने के बाद सेल ऑफ होने का कोशिश किया, बाद में इंट्राडे का हाई बना दिया। समझ लो क्या, इंट्राडे का हाई बना के, ओह ओके, इंट्राडे का हाई बना दिया इधर, इंट्राडे का हाई बना दिया। बाद में इधर एक रेजिस्टेंस इसने बना दिया। जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया ना, मैं ये लेवल को खरीद लिया। इसका जो स्टॉप लॉस है ये वाला है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, 63.3 है। इसका मतलब है मेरा जो स्टॉप लॉस है 63.3 है, 10 पैसे नीचे रखा हूँ। बाद में जो एंट्री है 66.5 से, ये ऊपर होना चाहिए। अगर ये मूव हो गए ना, अगर ये मेरा ये हाइपोथेसिस सही है, मतलब अगर ये ब्रेकआउट करेगा, एक नया हाई आज बनना चाहिए। इसका मतलब है ये जो टारगेट है 94 इज द टारगेट। ओके, इसमें एक चीज हो सकता है, इसका जो इंपॉर्टेंट कैंडल है ना, इसका जो इंपॉर्टेंट कैंडल है 37, इसका जो इंपॉर्टेंट कैंडल है ये भी ब्रेक इन साइड लेवल ही है। ओके, ये इसका इंपॉर्टेंट कैंडल है, इधर इसको दिक्कत आ सकता है, 78 पे मॉनिटर करना पड़ेगा। अभी क्या है, इट इज क्लियरली ब्रेकन आउट दिस लेवल। अभी देखेंगे ये लेवल पे क्या करेगा। अगर स्लिम स्लिप ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट है, तो अगर ब्रेक कर दिया ना, ये डेफिनेटली वो जो हाई है उधर तक ये जाएगा। ओके फाइन, ये था एक्चुअली, ये स्टॉक जो है ना मेरा वॉच लिस्ट में नहीं था, लास्ट मोमेंट में ये मिला था स्टॉक। ओके, तो देखेंगे ये कैसे बिहेव करेगा। ओके, जो टारगेट है 92 है, दैट इज द हाई ऑफ दिस कैंडल। ओके, पहले ये जो इसको इंपॉर्टेंट कैंडल है ना, 78 पे मॉनिटर करना पड़ेगा, क्या इसको सिमलेसली ब्रेक करेगा, कोई रेजिस्टेंस आएगा वो देखना पड़ेगा, नहीं तो डेफिनेटली
उधर नहीं रुकना चाहिए शायद, नहीं तो 94 इसका टारगेट होगा। ओके फाइन, देखेंगे किसे है बिहेव करेगा। ओके जो स्टॉप लॉस है 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस में हम इसको कर रहे हैं, 66.50 से एंट्री है 3 रुपीज 30 पैसे। ओके तो उसके हिसाब से 270 क्वांटिटी आएगा। हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ चलो देखते हैं कैसे ये बिहेव करेगा। HDFC बैंक ओके ये सीमलेसली मूव कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें 78 पे देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। यूजुअली ब्रेकआउट होना चाहिए उसको भी, कोई सिम्टम नहीं है इधर, ब्रेकआउट होना चाहिए 78.50 पे, उसको इंपॉर्टेंट लेवल है, नहीं तो ये डेफिनेटली 94 तक जाएगा। ओके एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ग्रासिम में, ग्रासिम में शॉर्ट्स कवर हो चुका है। ओके एक बड़ा सा मूवमेंट अपसाइड में देना चाहिए, हाइपोथेसिस से शॉर्ट था लेकिन इसका जो कमोडिटी है एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। हा? तो वो कारण से बजाज फाइनेंस में एक लेवल है इधर, ये लेवल पे ट्रेंड कंफर्मेशन करके ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि हाइपो बाई है, मतलब ये देखो हाइपो बाई है लेकिन ये लेवल पे कंफर्म नहीं हुआ, ये लेवल पे भी हुआ नहीं है अभी तक। ये लेवल पे हुआ नहीं है, ये लेवल पे हो सकता है। ओके देख लो वहाँ कोई एक स्टॉक चाहिए तो क्या है, मिल गया। ओके चलो 78 पे इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, देखते हैं, नहीं तो 1:3 तो मिल गए ना। हाँ फाइन। हाँ अब बाद में क्या है इसके लिए स्टडी मटेरियल के लिए मैं जो बताया था, ये आज लास्ट डे है भाई। एक्चुअली मैं रिमूव कर दिया हूँ यूट्यूब से वो सारे, इसको मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूँ। अगर किसी को चाहिए तो आज शाम के अंदर मुझे सेंड कर देना जो भी है आपने जो किया है, मैं जो रिप्लाई किया हूँ। नहीं तो मतलब ये बड़ा पैसा नहीं है सर, 5000 फीस है ना, वो बड़ा पैसा नहीं है। पता नहीं है मतलब आपका इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं है शायद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को इंटरेस्टेड है ना जो भेजा है, तो यू हैव टू डू इट बिफोर 4 o'clock टुडे, उसके बाद मैं कोई वीडियोस किसी को भी नहीं सेंड कर सकता हूँ। ओके चलो भाई देख लो, 78 है ब्रेकआउट दे रहा है क्या। ओके इसको ब्रेकआउट ओके सीमलेसली ब्रेक कर रहा है, देखेंगे। हाँ चलो मिलते हैं। शाम के अंदर भेज देना भाई, उसके बाद मुझे रिक्वेस्ट मत भेजो। हाँ उसके बाद मैं नहीं भेजता हूँ, ठीक है।